हमारे फेस के ऊपर अलग अलग रीजन में एक्ने आते हैं, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। अगर वो कारण हम अच्छे से समझ लें तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और एक्ने या पिंपल की वजह से होने वाले जो भी काले दाग है, पिंपल की वजह से होने वाले स्कार है, उसको हम कम से कम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पल्स रीजन में जो भी हमें पिंपल्स आते हैं या फिर अपर फोरहेड में जो हमें पिंपल आते हैं, वो कई बार देखा गया है कि जो भी हम हेयर सीरम यूज़ करते हैं, कई बार हम स्ट्रेटनिंग के लिए हेयर सीरम यूज़ करते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पिंपल्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम उसको अच्छे से मैनेज करें और वो सीरम जब भी हम चूज़ करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं या बाकी हेयर सीरम लगाते हैं, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे स्किन के ऊपर वो ना आए। उसका जो ड्रॉप आता है उसके कारण भी देखा गया है कि वहाँ पिंपल ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। सेकेंड पैटर्न है पिंपल्स अराउंड हम जॉ लाइन एंड अपर नेक। जो भी एक्ने इस रीजन में आते हैं वो देखा गया है कि वो बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस से ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, नॉर्मली देखा गया है कि फीमेल पेशेंट में कई बार देखा गया है कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन पेशेंट में जॉ लाइन के अराउंड, अपर नेक के अराउंड वहाँ पे पिंपल्स ज़्यादा आने लगते हैं कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑफ द फेस। इन पेशेंट में देखा गया है कि उनमें वेट गेन होने लगता है, स्काल्प के जो बाल है वहाँ पे थिनिंग होने लगती है और इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ भी दिखाई देता है। जो हार्मोनल एक्ने है उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें कई बार जो एक्ने के लिए रूटीन ट्रीटमेंट रहती है जिसमें कि एंटीबायोटिक है, कुछ रेटिनॉइड क्रीम्स हैं, रेटिनॉइड ओरल रेटिनॉइड टैबलेट्स हैं, इसके साथ कुछ अलग से हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे हार्मोनल बैलेंस अगर अच्छे से मेंटेन रहेगा तो ये होने वाले पिंपल्स और एक्ने है उसको हम अच्छे से कम कर सकते हैं और अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। इसके साथ थर्ड रीजन है हमारा फेस का टी जोन एरिया। टी जोन एरिया में हमारा मिडल फोरहेड है, नोज़ है, चिन है, ये एरिया आता है। अगर हमें इस जोन में पिंपल्स आते हैं तो ये नॉर्मली टीन एजर पेशेंट्स में ज़्यादातर दिखाई देते हैं और अपना जो स्किन टोन है वो नॉर्मली एक्ने प्रोन है और इन पेशेंट्स में ऑयली स्किन ज़्यादातर पाई जाती है और इन पेशेंट्स में जो होने वाले पिंपल है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम हमारी सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी अच्छे से कंट्रोल कर पाए तो। इन पेशेंट्स में जो अभी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सभी पेशेंट्स में नियर अबाउट सेम रहती है। तो ट्रीटमेंट में सबसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं उसमें ओरल एंटीबायोटिक है, ओरल रेटिनॉइड्स टैबलेट्स है, उसके साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स है, टॉपिकल रेटिनॉइड क्रीम्स है, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, सैलिसिलिक एसिड पील्स रहते हैं, उसके साथ बेंजोल परऑक्साइड जेल है। ये सभी ट्रीटमेंट जो है वो नियर अबाउट सेम रहेगा हर पैटर्न में, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या रहेगा कि कुछ लोगों में हमें इस पैटर्न में ड्यूरेशन चेंज करना होगा और पैटर्न ऑफ यूज़ भी हमें चेंज करना होगा। हार्मोनल एक्ने में कुछ अलग से हमें हार्मोनल टैबलेट की लेने की ज़रूरत होगी, बाकी ट्रीटमेंट तो नियर अबाउट सेम होगा। तो आज हमने देखा कि जो हमारे फेस के ऊपर जो पैटर्न है एक्ने आने का, उससे हमें पता चलेगा कि वे किस वजह से आ रहे हैं और उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो या फिर या आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है इस रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो हमें नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको अच्छे से सॉल्व करें और आपके डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।